आज का टॉपिक भी बहुत अहम है क्योंकि ये एक रोजमर्रा के मसाइल से रिलेटेड है। टॉपिक है मुंह से स्मेल आना, मुंह से बदबू का आना। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इसके लिए, जैसे हेलिटोसिस है, ओरल मेलोडर है, बैड ब्रेथ है। ये क्या होता है, बेसिकली आपके मुंह से स्मेल आती है जिससे आप की सोशल इंटरेक्शन में मसला होता है। आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी लेक्चर में हैं, दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, इवन डॉक्टर को आप चेकअप कराने के लिए आए हैं, तो क्या मसला होगा आपको? सोशली आपको रिपेलेंट वाला काम होगा, सोशल रिपेलेंट का काम करेगा। इसे कहते हैं सोशल स्टिग्मा। हेलिटोसिस इज बेसिकली सोशल स्टिग्मा है। सबसे पहले आज हम देखने के इसकी क्या क्या वजूहात है, उन्हें कैसे हमने उनकी तशखीस करनी, फिर उन्हें उसका कैसे हमने इलाज करना, और एक पेशेंट, एक मरीज जिसे ये मसला है, जिसके मुंह से ये सांस से बदबू आती है, उसे क्या क्या केयर करनी चाहिए जिससे उसका ये मसला रिजॉल्व हो जाए, उससे उसका मसला हल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। सबसे बड़ी वजह आपके मुंह के अंदर, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इसे सबसे पहले से कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं, जेन्युइन हेलिटोसिस। जेन्युइन हेलिटोसिस में एक होता है फिजियोलॉजिक, एक होता है पैथोलॉजिक। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, डिफरेंट फूड से हो सकता है। यानी अगर आपने प्याज खाया या लहसुन खाया तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, या अगर आपने कोई मेडिसिन ली है जिस तरह फ्लैजल है, मेट्रोनिटाजोल, उसकी वजह से मुंह से स्मेल आ सकती है। अब पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है, आपके मुंह के अंदर आपके मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, जिस तरह जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है, मुंह के अंदर कोई अल्सर निकला है, मुंह के अंदर आपके दांतों के दरमियान खुराक फंस रही है जिसे फूड इंफेक्शन कहा जाता है, खुराक फांस के गल सड़ के वो क्या करेगी, मुंह के अंदर स्मेल होगी। इसके अलावा सबसे मेन जो इसका रीजन है वो जुबान है आपकी। जुबान के ऊपर जो वाइट कलर की कोटिंग होती है वो सारे आपके जरासीम और डेब्रिस होते हैं। 90% जो काज आपके मुंह से स्मेल का है वो आपकी जुबान की वजह से होता है, इसलिए जुबान की क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। मुंह के बाद आपका गले का पोर्शन आ जाता है, गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं गले में, उनकी उनमें इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस हो जाए या क्विंजी टॉन्सिल में फंस पड़ जाए, या कोई फ्रेंजाइटिस हो या लेरिंग्स का प्रॉब्लम, उस वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा हमारी कोई ब्लड बॉर्न डिजीजेज होती हैं जो खून के जरिए खून में शामिल होती हैं, उनसे भी मुंह से स्मेल आ सकती है। या एक बड़ी कॉमन है कि मैदे के मसले की वजह से मुंह से स्मेल आ सकती है। मैदे में क्या मसला हो सकता है, अल्सर, मैदे में अल्सर बन सकता है, छाला बन सकता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। एक रिफ्लेक्स डिसीज होती है जिसमें आपका एसिड जो मैदे में जो तेजाब वो बैक फ्लो करता है, जो कहते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जर्ड भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट काजेज हैं जो लोकल भी हो सकते हैं, सिस्टेमिक भी हो सकते हैं, मेडिसिन रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल अल्टीमेटली क्या करते हैं, मुंह से स्मेल आने की वजह बनते हैं। तो इसमें वॉलाटाइल सल्फर कंपाउंड भी होते हैं। जब मुंह से स्मेल आती है तो मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या क्या बनाते हैं आपके, वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, मिथाइल मरकैप्टेन आ जाता है, मिथाइल सल्फाइड आ जाता है। ये जब निकलेंगे तो इनकी वजह से क्या होगी, मुंह से एक ऑर्डर आएगी, एक बैड ब्रेथ आएगी। अब हमने क्या करना है इसका, इस मसले के हल के लिए सबसे पहले जो हमने करना है उस मसले को ट्रीट करना है जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आ रही है, वो ओरल है या एक्स्ट्रा ओरल है। ओरल का मतलब कि मुंह से रिलेटेड है, और एक्स्ट्रा ओरल का मतलब है कि मुंह के अलावा जो बाकी जिस्म से आपके आ रहा है, गले से आ रहा है, मैदे से आ रहा है, किसी भी जगह से आ रहा है, किडनी की वजह से है, उससे जो स्मेल आ रही है उसे कहेंगे एक्स्ट्रा ओरल। सबसे पहले आपने मुंह की सफाई को मेंटेन रखना है। मुंह की जो बीमारी है जिस तरह एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, उसमें आपको एंटीबायोटिक भी देनी पड़ सकती है। मुंह की सफाई के लिए आपको प्रोफाइलेक्सिस करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ब्रशिंग, रेगुलर 2 टाइम ब्रशिंग बहुत जरूरी है। फिर दांतों के दरमियान वाली जगह की सफाई के लिए आपको डेंटल फ्लॉस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप रिंजेस कर सकते हैं, कुछ हफ्ते के लिए माउथ वॉश यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे क्लोरेक्सिडीन है, स्टाइलपिरिडिनियम है, लिस्ट्रीन है, ये डिफरेंट माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, जुबान की सफाई बहुत जरूरी है।
टांग की क्लीनिंग किस चीज से करनी है? सिंपल ब्रश से कर सकते हैं, इसकी बैक साइड पे भी कई दफा बने होते हैं इसके टंग क्लीनर के तौर पर काम आती है, या एक स्पेशल स्क्रैपर मिलता है, टंग स्क्रैपर होता है जिससे हम जुबान की क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? मुंह से स्मेल आने के लिए कई दफा क्या करते हैं हम लोग, मुंह को मॉइस्ट रखते हैं। जब आपका मुंह ड्राई होगा, खुश्क होगा, तो मुंह से स्मेल ज्यादा आएगी। स्टारवेशन, इसलिए तो इसका कारण एक स्टारवेशन भी है। स्टारवेशन में क्या होता है, खाली पेट भी मुंह से स्मेल आती है। सुबह जब उठते हैं आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है, लेकिन जब आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या कुछ खाते हैं, तो वह स्मेल आपकी खत्म हो जाती है। और दूसरी वजह थी डिहाइड्रेशन। अगर आपके मुंह खुश्क है, जीरो स्टोमी, उस वजह से मुंह से स्मेल आ सकती है। इसलिए मुंह को आपने रिहाइड्रेट रखना है। फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस पीने हैं। पाइन एप्पल का बहुत फायदा है। पाइन एप्पल के अंदर पपेन होता है। पपेन से क्या होता है, टीथ की क्लीनिंग, मुंह की सफाई अच्छी होती है, मुंह आपका फ्रेश रहता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शुगर फ्री बबल गम, इस तरह ज़ाइलिटोल बबल गम कुछ यूज कर सकते हैं, उससे भी आपकी टीथ की क्लीनिंग होगी और मुंह आपका फ्रेश रहेगा। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा ऑरल का, जिस तरह आपको मैदे का मसला है या आपको इसका गले का मसला है, तो आपको रेफरल करना पड़ेगा। अगर गले का तो ENT वाले को, मैदे का तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को, उस मसले को ट्रीट करेंगे तो आपका हेलिटोसिस, मुंह से स्मेल आने का मसला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा आफ्टर ट्रीटमेंट। अब कुछ केसेस में अपेरेंटली कोई वजह नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, उसका मुंह भी बड़ा, ओरल हाइजीन बड़ी अच्छी होती है, ब्रशिंग भी दो टाइम कर रहा है, फ्लॉस भी कर रहा है, जुबान भी साफ है उसकी, गला भी ठीक है, मैदा भी, सारा जब हर चीज़ है, फिर वो कंप्लेंट करते हैं मेरी स्मेल की वजह से। वो फिर साइकोलॉजिकल इशू है। इसमें दो चीज़ आ जाती है, एक स्यूडो हेलिटोसिस और एक हेलिटोफोबिया आ जाती है। इसके लिए हमें पेशेंट को रीश्योर करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसे गाइड करना है बेसिकली। अगर फिर भी ना, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को, ताकि उसे गाइड करें कि उसे बेसिकली मसला नहीं है। तो इस क्या कहते हैं, हेलिटोफोबिया और स्यूडो हेलिटोसिस। तो आज का हमारा मेनली यही था कि हमने कैसे मुंह से बदबू आने के अमल को खत्म कर दिया। उसमें मेन पॉइंट हमेशा आपने याद रखना है, मुंह की सफाई और जुबान की, खासतौर पर जो वाइट सफेद जुबान पे जमा होता है, उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।